नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया कभी भी किसी के पक्ष में, सत्ता पक्ष विपक्ष के पक्ष में रिपोर्टिंग नहीं करती है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है जब किसी तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं दूर दराज गाँव गली मोहल्ले हर जगह से जो फैले हुए हैं, उन तमाम दर्शकों को इतना तो पता है कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया किस तरीके की रिपोर्टिंग करती है। आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसे प्रमुख विश्लेषण करेंगे कुछ ऐसी खबरों का जिससे कि आपके सरोकार जुड़े हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों, पिछले दिनों नई नियोजन नीति पर जो बयान भाजपा ने दिया था, क्या वह बयान भाजपा अगर इस पूरे नियोजन नीति को कोर्ट में लेकर जाती है तो क्या फिर से नियुक्तियां जो है राज्य में फंस सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं सभी के मन में आ रहा है। कारण इसके पीछे यह है कि जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार करती है तो आप सभी को पता है कि उसका नुकसान आम जनता को किस तरीके से उठाना पड़ता है। चलिए, भाजपा ने अपना पक्ष रखा है कि यह जो नियोजन नीति है वो असंवैधानिक है। अब जो पब्लिक का पक्ष है, पब्लिक के तरफ से है कि जब इस तरीके की नीति असंवैधानिक होगी तो उनकी जो नियुक्तियां हैं वो कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हेमंत सरकार लगातार दावे पर दावे, वादों पर वादे करते आ रही है कि आज कल परसों ये सारी चीज़ें हो रही है कि नियुक्तियां होंगी होंगी होंगी, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी को कोर्ट जाना है तो वो कोर्ट जल्दी क्यों नहीं जा रही है? और अगर नियुक्ति, क्योंकि ये बाद में नियुक्तियां होंगी, बाद में जाकर जो है इस नियोजन नीति के खिलाफ अगर कोर्ट जाएगी बीजेपी तो फिर वो नियुक्तियों पर भी जो है, आपने देखा कि पिछले दिनों कैसे रद्द हुई थी नियुक्तियां नियोजन नीति के कारण, नियोजन नीति ही रद्द हो गया था। तो ऐसे ये सारे सवाल चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किन किन बिंदुओं पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। एक तो हिंदी को शामिल नहीं करना, इस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। और दूसरा, कहीं ना कहीं बीजेपी अपना वोट बैंक जो है वो भी देख रही है, और अलग अलग पार्टियां भी अपना अपना वोट बैंक देखती ही है। इसमें राजनीति में कहीं कुछ छुपम छुपाई है नहीं इस मसले को लेकर। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया आज ये डिमांड करती है कि जल्द ही इस पर आगे का निर्णय हो ताकि लोगों के रोजगार के जो वादे हेमंत सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा किया जा सके। चलिए दोस्तों, एक और खबर का विश्लेषण करते हैं। पिछले दिनों खबर यह आई कि राज्य के अंदर 15 अगस्त को लेकर जनप्रतिनिधियों पर नक्सली हमला जो है आईडी की मदद से किया जा सकता है। इसको लेकर स्पेशल ब्रांच ने तमाम जिलों के एसपी से लेकर तमाम पुलिस पदाधिकारियों को सूचित किया, सतर्क किया, और यह भी कहा है कि कहीं भी नक्सली अगर काला झंडा दिखाते हैं तो जल्द ही वहां पर झंडा हटाने नहीं जाए, वरना वहां पर ब्लास्ट हो सकता है। जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो तो ठीक है, लेकिन आम जनता का भी ख्याल करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अब इस मसले से आगे एक और खबर का विश्लेषण करते हैं। लोग कह रहे हैं कि सर, झारखंड में क्या एक राज्य और दो अलग अलग कानून? जज साहब की हत्या हुई तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी की गई, लेकिन ठीक कुछ उसी परिस्थिति में रूपा तिर्की मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और सीबीआई जांच अब तक जो है उसकी अनुशंसा नहीं की गई है। इस खबर का विश्लेषण करने के लिए आपको कल के फैसले, कल जो कोर्ट में बहस हुआ रूपा तिर्की की तरफ से जो वकील थे उसको लेकर, उनको लेकर महाधिवक्ता ने कहा है कि वो, उन्होंने बयान दिया था पिछले सुनवाई के दौरान कि 200% यह मामला सीबीआई को जाना तय है। अब प्रशासनिक क्या फैसला इसमें होगा, इस पूरे मसले को लेकर इसकी गूंज जो है अब चीफ जस्टिस तक पहुंच चुकी है। जो कोर्ट की रजिस्ट्री होती है वहां पर जो फाइनल वर्डिक्ट अब किसके पक्ष में आएगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मसले को अब आगे प्रशासनिक फैसला क्या होगा कोर्ट के स्तर से, इसको लेकर इसकी फाइल जो है चीफ जस्टिस के पास भेजी गई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और खबर के विश्लेषण का। बच्चों के पठन पाठन में किस तरीके की रुकावटें आ रही है ये आप सभी से छिपा हुआ नहीं है।
जनता हालांकि सब कुछ जानती है, लेकिन जानते हुए भी अनजान बनना कभी कभी मजबूरी बन जाती है, खास करके इस डिजिटल युग में। डिजिटल शिक्षा का झारखंड में क्या हश्र है, ये आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। अभी भी 50% से ज्यादा बच्चे गरीबों के, खास करके उन तक डिजिटल शिक्षा जो है ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, ये आप सभी को पता है। अब स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने बच्चों के पठन पाठन से जुड़े मार्गदर्शिका जो है वो जारी की है। अभिभावकों की पठन पाठन में क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या बच्चे दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं, घर के अंदर किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूलों में तो बच्चे दिन अपने 24 घंटे में कितना समय स्कूलों में बिताते हैं, सारी चीजों को लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने मार्गदर्शिका जारी की है। वहीं पर विशेष परीक्षा जो जैक लेने वाला है उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर जैक ने पूरी तरीके से स्पष्टता जारी कर दी है। और यह भी कहा है 16 अगस्त तक इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है, उसके बाद एक दो दिनों के लिए आपको लेट फी के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। पूरी जानकारी आप www.jacjack उसके बाद झारखंड.gov.in पर जाकर ले सकते हैं। परीक्षा को लेकर जैक ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस बार की जो परीक्षा होगी वो OMR सीट पर होगी। OMR सीट पर इसलिए परीक्षा हो रही है क्योंकि जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए जाए। OMR सीट पर इसलिए परीक्षा हो रही है कि रिजल्ट जारी करने में दिक्कत ना हो। जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष परीक्षा में वो बच्चे अगर शामिल होना चाहते हैं जिनको कि खास करके अपने रिजल्ट से संतुष्टता नहीं है तो वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक पेच यहाँ पर दोस्तों है कि अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो उनको शपथ पत्र दायर करके पिछला रिजल्ट को सरेंडर एक तरीके से करना होगा, तभी वो नई परीक्षा में जो है वहां पर शामिल हो सकते हैं। बहुत मजे की बात आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, हालांकि बाद में उनको किया गया। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, इस बार कोई भी आंतरिक मूल्यांकन जो है वो नहीं होने जा रहा है। तो आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर अगर कहीं से भी आपको घूस पैसे जो है, अगर इसकी शिकायतें आती है तो जल्द से जल्द आप ऑल टाइम पब्लिक इंडिया को खबर दीजिए ताकि हम इस चीज को आगे भी बढ़ा सकें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर के विश्लेषण के बारे में, आपसे बात करना बेहद जरूरी होता है जो ड्रॉप आउट बच्चों से जुड़ी हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हैं, उनके लिए, उनको फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ऐप के बारे में भी जानकारियां दी जाएगी। 14 से 16 अगस्त तक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है प्रखंड स्तर पर चलाया जाएगा। दरअसल ड्रॉपआउट स्टूडेंट्स की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है और इस पर मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को बढ़ चढ़ कर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय।